साथियों, मंच पर विराजमान हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक हमारे पूर्व मंत्री श्री पीसी शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री हेमराज जी, श्री बाबू सिंह जी, उपस्थित सभी आदरणीय देवी और सचिवों, मुझे याद है चाटूखेड़ा हमारा एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करता था और यहां हम लोगों ने अनेक जो यहां की दिक्कत परेशानियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। अब मोहनपुरा बांध बनने से जो पुल था वो डूबने से यहां काफी दिक्कत परेशानी आ रही है, ऐसा मुझे यहां की महिलाओं ने भी मुझे आज ये बताया है। साथियों, ये चुनाव लोकसभा का सबके लिए, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए महत्वपूर्ण, और हम चाहते हैं कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का सांसद एक ऐसा हो जो कि राजगढ़ के लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में इतने शक्तिशाली ढंग से करे कि वहां सरकार को भी यहां की दिक्कत और परेशानी और मांगों को मंजूर करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा आपको सांसद चुनकर भेजने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो आपकी मांग है, चाटूखेड़ा से ब्यावरा का जो रास्ते में पुल का है, मोहनपुरा बांध जो इससे डूब गया है, उसके निर्माण में मैं पूरी ताकत लगाकर उसके निर्माण की स्वीकृति कराने के लिए मैं आपको बता सकता हूं। मैं सन 80 से यहां आपका प्रभारी मंत्री बना था, फिर 84 में आपका सांसद बना और 91 में फिर बना, फिर मुख्यमंत्री के रूप में राजगढ़ लोकसभा सीट के लोगों के मेरे संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए। एक जमाना यहां राजगढ़ का ऐसा था जहां अनाज पैदा ज्यादा नहीं हो पाता था, सूखी खेती थी, सिंचाई के साधन नहीं थे और लोग परेशान होते थे, लेकिन अब हमने धीरे 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 यहां के बांध बनवाए, स्टॉप डैम बनवाए, तालाब बनवाए, यहां के कुओं में पानी और बढ़े इसके लिए हम लोगों ने जल ग्रहण मिशन चालू किया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, पूरा हमने अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज लगभग 60 से 70% यहां की जमीन सिंचित हो चुकी है और यहां के लोग जो कि पहले आधे से ज्यादा गांव खाली हो जाते थे, और राजस्थान में रामगढ़ मंडी की खदानों में जाके काम करते थे, लेकिन आज यहां पर अनाज पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, मंडी में खूब आवक आ रही है। ये सब हमारा ये सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हम लोग आपकी ये सेवा कर पाए। मैंने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में उन लोगों की मदद करी है जो गरीब है, गुरबा है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जिनके पास कुछ नहीं है, भूमिहीन मजदूर, मैंने उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है और उसके लिए मैं आगे भी काम करता रहूंगा। ये वो वर्ग है जो सदियों से बेचारा परेशान रहा है, सदियों से उन पर अत्याचार अन्याय होते रहे, लेकिन धीरे 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 बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें मौका दिया, भारतीय संविधान बनाया और उन्हें हर तरह की सुविधा दी गई। आदरणीय मेरे साथियों, मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आने वाले 7 मई के चुनाव में आप एक बार फिर मुझे मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और पूरे तरीके से हम चुनाव लड़कर जीत कर आएंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम तो केवल मोदी जी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ मोदी जी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा वादा है मोदी जी का जो पूरा हुआ हो? काला धन वापस आया नहीं, काला धन जिन लोगों ने पैदा किया वो देश छोड़ छोड़कर भाग कर चले गए,
उनको वापस नहीं ला पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेक तरह की बातें करते हैं, ये वो लोग हैं जो झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं नलखेड़ा जा रहा था तो पड़ाना से सारंगपुर के बीच में मैंने देखा था एक्सीडेंट हो गया था, एक नौजवान सड़क पर पड़ा था, उसको हमने उठा के अस्पताल पहुंचवाया और उसका इलाज कराया, ईश्वर की कृपा से उसको वो बच गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सच्चाई को झूठ में परिवर्तन करके कह दिया कि दिग्विजय सिंह की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और उसको ले आके अस्पताल में छोड़ा। बात यह है कि लोगों पर भरोसा करें तो कैसे करें, कहते कुछ है करते कुछ है। कौन सा काम इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से ये जाने जाए। हमारी ये यात्रा निकल रही है, 2700 रुपये कुंटल का वादा था कि नहीं था, 3000 रुपये लाडली बहना को देना था कि नहीं देना था, इनका वादा था। सिलेंडर गैस सिलेंडर 450 रुपये में देना था, ये तीनों वादे पूरे नहीं हुए। तो वादा निभाव यात्रा हम लोगों ने चालू की और हम आप लोगों के बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि देखिए राजगढ़ जिले में कांग्रेस की हालत है, उनको कोई नौजवान उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला, 177 साल के बूढ़े को चुनाव लड़ा दिया। तो मैंने उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने पदयात्रा इसलिए चालू की है कि कोई भी भाजपा का नेता मेरे साथ इस गर्मी में चल के 20-25 किलोमीटर चल के बता दिया आपको हर कदम पर हर क्षेत्र में मेरे नौजवानों का भविष्य के रूप में आप सबको आगे लेके जाऊंगा। जादूखेड़ा बरेली हमारे राजगढ़ क्षेत्र के सारे लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप मौका दीजिए, हम इसको और तरक्की करवाएंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से अब गेहूं तो फसल होती है लेकिन प्याज और लहसुन भी खूब होने लगा, नारंगी के बगीचे भी काफी लगने लगे, इन सब बातों को हम आगे ले जाकर और तरक्की के साथ खड़ा करेंगे। यहाँ दुधारू पशुओं की भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर पैदावार हो रही है, दूध काफी खूब प्रोडक्शन हो रहा है, इस पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इसलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब मिलकर हाथ के पंजे का बटन दबाएं। और एक बात आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ, ये बार बार हमारी चर्चा होती है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए या ईवीएम मशीन से कराया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से कराया कि ना कराया, भूल बताइए, बैलेट पेपर मतपत्र से चुनाव होना चाहिए कि मशीन से होना चाहिए। अब ईवीएम मशीन से जो चुनाव कराना चाहते हैं आप उठाइए, आप मशीन से चाहते हो नहीं चाहते हो। तो जब जनता चाहती है कि मतपत्र से होना चाहिए तो इसमें चुनाव आयोग मान नहीं रहा है, न अदालत मान रही है। एक तरीका बचा है और वो तरीका है 384 उम्मीदवार से ज्यादा खड़े अगर राजगढ़ में हो जाए तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, मशीन से चुनाव नहीं होगा। इसलिए जो भी चुनाव लड़ना चाहता है राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से आप लोग आमंत्रित हैं, आप आकर फॉर्म भरिए और हम लोग सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।